वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस देख लेते हैं, जो एटम्स हैं वो कैसे होते हैं और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मतलब छोटे से छोटा, जिसे दो टुकड़ों में हम तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा, उसे हम एटम कहेंगे। और मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का और एक कंपाउंड का। तो इसमें जो एटम होता है, एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल बनते हैं। जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और जो मॉलिक्यूल है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन वो एलिमेंट का भी होता है और कंपाउंड का भी होता है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और जो एटम है वो सबसे छोटा एलिमेंट, कोई भी चीज़ है उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और जो एटम्स होते हैं ना, उनसे ही मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटम डज नॉट एक्सिट्स इन फ्री स्टेट एक्सपेक्ट इन अ नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़कर जो एटम्स हैं वो फ्री नहीं रह सकते, मतलब वो फ्री अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करने के लिए चाहिए है, मतलब वो फ्री स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल की जो अवस्था होती है वो फ्री रहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि वो आराम से फ्री रह सकते हैं। लेकिन जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, तो वो फ्री नहीं रह सकते हैं, उनको वो किसी ना किसी चीज़ से रिएक्शन कर ही लेते हैं। एक्सपेक्ट सम ऑफ नोबल गैस अदर एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। जो नोबल गैस है उसको छोड़कर बाकी सारे जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी क्रिया करते हैं, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी से क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एटम्स की कंपैरिजन में। एटम्स डज नॉट हैव अ केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स हैं उनमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वो एटम्स, टू एटम्स से मिलकर बने होते हैं, तो या फिर थ्री एटम्स से, वो उनमें एटम्स से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें बॉन्डिंग चाहिए है, दो एटम्स को जोड़ने के लिए एक बॉन्डिंग चाहिए है, तो उनमें ये केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस टाइप से ये एक डिफरेंस है एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। जो एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और Mg है, ये सिर्फ सिंगल हैं तो ये एटम है। अगर ये टू हो जाएंगे, जैसे कि H2 है, O2 है, Mg2 है, तो ये मॉलिक्यूल बना लेंगे, मतलब दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है एंड मैग्नीशियम अभी सिंगल है, तो ये एटम्स हैं। और उसके बाद में ये देखिए, जब ये वाटर बना लेते हैं H2O, ये H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, जब ये H2O बना लेते हैं, जब ये H2O बना लेते हैं तो ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये एक पॉइंट कर लिया है, एक ये बॉन्ड कर लिया, तो इनमें ये केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये मिलकर H2O बना लेंगे, मतलब ये वाटर बना लेंगे, तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है एक दूसरे को बॉन्डिंग करने के लिए, इसलिए इसमें केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है। और यही आयंस होते हैं, जो मैग्नीशियम है वो सिंगल होगा तो ये 2+, इसमें आयंस पाए जाते हैं। आयंस पे मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लियर कर लेते हैं। तो एटम्स सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दोनों ही एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जो एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एटम का मतलब होता है परमाणु, मतलब सबसे छोटा, मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, जो कि एटम से मिलकर बनता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।